वही गोरखधाम एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे का हाल। तो वही गोरखधाम एक्सप्रेस में अभी बैठ चुके हैं और बगैर टिकट बैठा हूँ। टीटी का खतरा लग रहा है भाई। अरे कहाँ जाओगे? तो भिवानी पहुँच गए भाई और सभी में खुशी की लहर है। तो भैया चलो आज रिस्क उठाते हैं और बगैर टिकट इस ट्रेन में चढ़ते हैं। क्यों? तो ये पूरे डब्बे का हाल है और इस भाई ने मेरे को बचा लिया क्योंकि मेरा बैग इस भाई ने रख लिया है। तो भाई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। ट्रेन ने हमारे पहुंचा दिया 1 घंटा लेट। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि 5 नंबर प्लेटफार्म पर खड़ी है गोरखधाम एक्सप्रेस और पौने 8 बजे निकलेगी और 15 मिनट है मेरे पास। 15 मिनट में मैं टिकट ला सकता हूँ नहीं ला सकता मेरे समझ नहीं आ रही, या बगैर टिकट ही चढ़ लेता हूँ, देखी जाएगी। तो बने रहो, थोड़ा सा देख लेते हैं यार। तो वही अभी 7:45 हैं, 7:45 मैं अपनी ट्रेन से उतरा हूँ और मेरे इधर साइड में गोरखधाम लगी हुई है। बट एक समस्या है यहाँ पर बहुत बड़ी कि मेरे पास टिकट नहीं है भाई, टिकट नहीं है। मैं टिकट लेने गया तो गोरखधाम एक्सप्रेस निकल जाएगी। अगर पलंटी की बात करी जाए तो 250 रुपये पलंटी प्लस 100 रुपये किराया, 350 रुपये। और मोटा मोटा अंदाज़ा अगर देखें, बस से भी जाता हूँ तो मेरे 200 रुपये की तो टिकट ही लग जाएगी। अगर उससे जाता हूँ तो मोटा मोटा यार मैं सोच रहा हूँ इसी में निकल देता हूँ और देखी जाएगी। अगर मैं टिकट लेने निकल गया तो समस्या टाइट हो जाएगी भाई। अगर टिकट के चक्कर में गया तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी भैया। आप समझ नहीं आ रहा मेरे को, करूँ तो करूँ क्या यार, बगैर टिकट चढ़ लूँगे, बगैर टिकट चढ़ लिया तो फ़ाइन पड़ेगा भैया, फ़ाइन पड़ेगा, तगड़ा फ़ाइन पड़ेगा। तो भाई समझ नहीं आ रही अब करें तो करें क्या यार। भाई बगैर टिकट ही चढ़ रहा हूँ मैं तो, और देखी जाएगी जो होगा देखा जाएगा, बगैर टिकट ही चढ़ेंगे अपन। ना तो मेरे से ब्लॉग हो रहा और ना मेरे को समझ में आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि पीछे गोरखधाम एक्सप्रेस खड़ी है, उधर मेरी ट्रेन आई है और अगर इसमें निकल गया ना तो ये सुपर फास्ट है, खींचम खींच अपने को पहुंचा देगी। और अगर यहाँ से कश्मीरी गेट गया, वहाँ से बस पकड़ी, वो लंबा भगड़ हो जाएगी। तो भाई पलंटी देते हैं, पलंटी लगेगी 250 रुपये प्लस किराया बिरानी। यार दिल्ली से लगेगा, कहाँ से लगेगा, समझ नहीं आ रही भाई। अब करें तो करें क्या यार, बगैर टिकट चढ़ लूँगे, क्या किया जाए भाई। समझ से बाहर है भाई मामला, समझ से बाहर है। साला डबल ट्रिपल ना पड़ जाए डबल टिकट लेना। तो भैया चलो आज रिस्क उठाते हैं और बगैर टिकट इस ट्रेन में चढ़ते हैं, क्योंकि अगर मैं 1 नंबर प्लेटफार्म की तरफ गया और पीछे से ये ट्रेन निकल जाएगी, वहाँ टिकट भी कटवाऊँगी, ये ट्रेन भी निकल जाएगी, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो अब समझ नहीं आ रहा भाई, करें तो करें क्या। तो आज चलने दो, आज ये ब्लॉग भी चलेगा बगैर टिकट, तो बगैर टिकट चढ़ते हैं ट्रेन में। तो वही गोरखधाम एक्सप्रेस में अभी बैठ चुके हैं और बगैर टिकट बैठा हूँ। टीटी का खतरा लग रहा है भाई, टीटी कब आएगा कब नहीं आएगा, समझ से बाहर है। कहीं अभी सोच रहा हूँ जर्नल के डब्बे में चले जाऊँ, जर्नल के डब्बे में टीटी आने का चांसेस बहुत कम है और बाकी देखते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो शकुर बस्ती आने का वेट कर रहा हूँ, शकुर बस्ती आएगा तो जर्नल के डब्बे में चले जाएँगे। कहाँ जाओगे? लो आ जाओ। अरे तो अभी भाई इसमें कितने कितने आदमी बैठा हुआ है? अरे एक काम करे, इसकी पकड़ ले यार, आगे बहुत खाली है, पकड़ ले। कितना दिन बैठा इसमें? 4 दिन बैठा है। तो भाई गोरखधाम एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे का हाल बहुत ही बुरा हाल हो रहा है और मेरी भी सिचुएशन आपको मैंने पहले बता दी है, मेरी सिचुएशन क्या थी, दैट्स व्हाई मेरे को जनरल डिब्बे में आना पड़ा। और यही है कि थोड़ा सा 2-1 घंटे का स्ट्रगल कर लेंगे, उसके बाद आराम से अपने 12 बजे हिसार पहुंच जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी फ़ोन से नेचर की भी यहाँ पर वो ज़्यादा समस्या है। तो ये पूरे डब्बे का हाल है और इस भाई ने मेरे को बचा लिया क्योंकि मेरा बैग इस भाई ने रख लिया है, तो मेरी जान बचा लिया इस भाई ने बैग रख के। तो हाल बहुत बुरा है। अरे कहीं नहीं उतरना, उतरना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ फिर, अबे गाड़ी रुकेगा तब उतर जाना, गाड़ी रुकेगी ना ये थोड़ा बाहर आ जाएंगे फिर उतर जाना। ये भी उतरेंगे, चिंता मत, सारे उतरेंगे, ये इतने खड़े रहो। तो
बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है भैया, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, हालत बहुत ज़्यादा टाइट है। तो देखते हैं, नागलोई आएगा तो थोड़ी बहुत छीड़ होगी और बहादुरगढ़ आएगा तो थोड़ी बहुत छीड़ होगी, और मेरे को तो यहाँ आना ही पड़ा, अदरवाइज़ मैं स्लीपर में चला जाता। मेरा भी रीज़न है जो मैंने आपको बताया पहले, समस्या टाइट है, जनरली टिकट नहीं है मेरे पास, इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। अदरवाइज़ स्लीपर में बैठ जाते, स्लीपर में 100-150 रुपये लेता टीटी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बात यह है ना, अपने पास तो 90 रुपये की टिकट भी नहीं है। तो बने रहो आप हमारे साथ ही, स्ट्रगल करके जैसे तैसे पहुँचेंगे आगे। थोड़ी बहुत छीड़ होगी तो आगे लोग करेंगे, नहीं तो सीधा ही सारे चलते हैं, मिलते हैं। और हालत बहुत ज़्यादा टाइट है, पैर रखने की जगह नहीं भाई। फाइनली बैठने की तो जगह मिल गई है अपने को ऊपर, और पूरी बोगी खचाखच भरी है। एक दो भाइयों का थोड़ा सा साथ था जिन्होंने बैठने की जगह दे दी अपने को, और बोगी यहाँ पे खचाखच भरी हुई है। बस यही है कि एक दो बंदों का थोड़ा बहुत साथ था, एक भाई ने मेरा बैग पकड़ लिया, एक भाई थोड़ा थोड़ा जगह बनाते गए और उसने बोल दिया कि भाई ऊपर चढ़ जाओ, तो जैसे तैसे करके अपन चढ़ गए। अब चढ़ गए तो भैया सीधा हिसार उतरेंगे, बीच में मैं तो नहीं उतरने वाला कोई टिकट विकट लेने के लिए या कुछ करने के लिए। और मुझे इतना पता है कि टीटी में इतना जोर नहीं है कि वो इसे डब्बे में आकर के एक एक की टिकट चेक कर लेगा, इतना टीटी में जोर है नहीं। और बस यही है कि भाई 8:35 हो गए, 12 बजे तक लगभग हिसार पहुँच जाएंगे। यही अगर मैं कश्मीरी गेट जाके बस लेता, ये सोचता कि भाई बिना टिकट किस तरह चढ़ेंगे या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो मैं रह लेता। तो लगभग अभी दो स्टॉप है, एक बहादुरगढ़ है, भिवानी तक अगर सेफ एंड तक निकल जाते हैं तो उसके बाद आगे भी जा करके सेफ एंड तक निकला जाएगा, मतलब आगे दिक्कत नहीं आएगी। भिवानी और रोहतक में थोड़ा सा रिस्क है, और अगर अभी भी कट गया पर्चा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इतनी यार गधा मजदूरी करने के बाद भी पैसे दे दिए तो फिर भाई कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई हाल थोड़ा सा इस तरह का है इस ट्रेन का, तो बने रहो, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और हिसार के आसपास जाके फ्लो करते हैं, अगर थोड़ी सी छीड़ होती है। बाकी सीट मिल गई है, मस्त बैठे हैं। तो भिवानी पहुंच गया भाई, और सभी में खुशी की लहर है क्योंकि यहाँ पर सीट थोड़ी बहुत सभी को मिल रही है। क्या खुशी की लहर है सभी में, और ऊपर भी खुशी की लहर है ऊपर यहाँ पर, क्योंकि हमारे लिए भी जगह खाली बच गई है। तो वही बचते बचाते जैसे तैसे करके 10:30 बजे हैं, और अभी भिवानी रेलवे स्टेशन आया है। 20 मिनट का यहाँ ब्रेक रहता है क्योंकि इंजन रिवर्स होता है, और सभी लोगों में यहाँ पर खुशी की लहर है, भयानक खुशी की लहर है सभी लोगों में, क्योंकि जगह खाली होगी। और ऊपर भी देख सकते हो, ऊपर भी देख सकते हो, यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ ऊपर बैठा हूँ, ऊपर भी यहाँ पर जगह खाली होगी है, मतलब ऊपर भी कोई लोग इतने खास है नहीं, और ठीक है अपन ऊपर ही बैठे हैं और ऊपर ही बैठे हैं, कोई समस्या नहीं है। और जितने उतरे हैं उससे ज़्यादा भिवानी में चढ़ रहे हैं लोग, और बाकी चलो बने रहो आप हमारे साथ ही, सीधा हिसार चलेंगे, हिसार में पूरी स्टोरी बताएंगे कि क्या करा है क्या नहीं करा कंप्लीट। हाँ तो भाई हिसार पहुंच गए हैं, और मेरे पीछे देख सकते हो गोरखधाम एक्सप्रेस है, और इसकी जर्नल क्लास है, अभी भी ये भरी पड़ी है, खाली नहीं हुई। और जर्नल बोगी पे अभी हम लोग सफ़र करके आए हैं, वो भी बिना टिकट, मेरे पास टिकट नहीं थी। अब हिसार में मेरे को कोई टेंशन नहीं है, हिसार में, हिसार अपना गढ़ है, हिसार अपना क्षेत्र है, तो अपने को यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये पीछे ये देख सकते हो, ये गोरखधाम एक्सप्रेस है जो कि मेरे ख्याल 2.5 घंटे लेट आई है, 9:30 बजे इसके आने का टाइम था और 12 बज रहे हैं अभी, 2.5 घंटे ये लेट आई है। और मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये कितनी खचाखच भरी हुई है गोरखधाम एक्सप्रेस, और गोरखधाम एक्सप्रेस में बिना टिकट के जर्नी करके आया हूँ मैं। इस वीडियो, इस व्लॉग के ज़रिए मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा कि आप लोग भी बिना टिकट जर्नी कीजिए, क्योंकि बिना टिकट जर्नी करना बिल्कुल इलीगल है, कभी भी आपको ऐसे बिना टिकट जर्नी नहीं करनी चाहिए थी। मेरी मजबूरी थी, बहुत ही ज़्यादा मजबूरी थी, इस वजह से मेरे को बिना टिकट सफ़र करना, और ना ही मैं ये प्रमोट कर रहा कि इन ट्रेनों में टीटी नहीं आते, टीटी आते हैं, मेरी किस्मत अच्छी थी टीटी नहीं आते, मैंने भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया था, और इस वजह से मैं बिना टिकट सक्सेसफुली ट्रैवल करके आ सकता हूँ। क्या हुआ था ना, एक्चुअली गोरखधाम के दिल्ली से निकलने का
का समय है 5:35 का सुबह का नई दिल्ली से, और ये 2 घंटे लेट हो गए थे, और ये 7:35 नई दिल्ली आई थी, और 7:35-40 पर ही मेरी जो ट्रेन नंबर 12621 तमिलनाडु एक्सप्रेस है वो पहुंची थी नई दिल्ली। और जैसे मैंने नई दिल्ली पहुंचा तो मैंने कहा चलो एक बार स्टेटस चेक कर लेते हैं कि गोरखधाम का क्या स्टेटस है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड रहता है कि ये लगभग हमेशा लेट ही मिलती है, लगभग ये ट्रेन लेट मिलती है। तो मैंने इसका स्टेटस चेक करा तो ये नई दिल्ली में खड़ी थी और प्लेटफार्म नंबर 5 पे खड़ी थी। तो फटाफट मैं प्लेटफार्म नंबर 5 पे गया, जैसे ही मैं प्लेटफार्म नंबर 5 पे गया उसके जस्ट 5 मिनट बाद ये ट्रेन चल पड़ी। और अगर मैं टिकट लेने के लिए प्लेटफार्म नंबर 1 की तरफ भागता या कहीं और भी भागता, और आपको पता नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन कितना बड़ा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो अगर मैं टिकट लेने जाता तो मेरी ट्रेन मिस हो जाती, और ट्रेन मिस हो जाती थी तो मेरे टिकट के भी पैसे लग जाते और ट्रेन भी मेरी छूट जाती। इस वजह से मैंने टिकट नहीं ली और बिना टिकट के ट्रेन की जर्नी करी है। फिर मैं सबसे पहले चढ़ा था स्लीपर क्लास में, स्लीपर क्लास में भी हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और फिर जैसे मैं स्लीपर क्लास पे चढ़ा और ट्रेन चली तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जर्नल में टीटी आए ना आए, स्लीपर क्लास में टीटी हमेशा आता है, क्योंकि मैंने पहले भी जर्नल की टिकट पे स्लीपर क्लास में ट्रैवल कराया तो टीटी ने मुझे बहुत बार पकड़ा है। और हालांकि मैंने फाइन वाइन जो भी है टीटी को दे देता हूँ, जो भी चार्जेस बनते हैं, लेकिन अभी मेरे पास जर्नल की टिकट ही नहीं थी, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो मैंने फटाफट शकुर बस्ती में क्या करा, जर्नल की बोगी में घुसा, और जैसे कि आपने देखा था जर्नल बोगी में खचाखच भरे हुए थे, इतनी भीड़ होने के कारण जहाँ बंदे को सांस नहीं आ रहा, लोगों की हालत दयनीय है, इतनी भीड़ होने के बाद भैया टीटी का आना तो बहुत मुश्किल है, और टीटी नहीं आएगा इतना मुझे पता था। इस वजह से मैंने थोड़ी सी ट्रिक अपनाई और मैं जर्नल क्लास में जाके बैठ गया, जैसे तैसे करके मेरे को जगह भी मिल गई और हिसार भी पहुँच गया, तो टीटी भी नहीं आया और अपने लगभग 200-250 रुपये बच गए हिसार आने के। लेकिन मैं कभी भी आपको ये प्रमोट नहीं कर रहा, ना आपको सजेस्ट कर रहा, मेरी मजबूरी थी, बहुत ही ज़्यादा मजबूरी थी, इस वजह से मैंने बिना टिकट ट्रैवल किया है। तो कभी ऐसे आड़ी फंसी हो जाए, आपके पास टिकट नहीं है, तो स्लीपर क्लास में कभी मत चढ़ना, वहाँ पे डेफिनेटली आएगा ही आएगा टीटी। जर्नल क्लास में चांसेस कम होते हैं टीटी के आने के। नागपुर सीरीज़ के इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, नागपुर सीरीज़ को भी यहीं पे एंड करते हैं, और ये जा रही है भटिंडा, यहाँ से ट्रेन निकलने का टाइम हो गया और ये निकल भी रही है। तो आज के इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, होप करते हैं आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलें, और जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं, साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।